नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जिला बीकानेर के खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में विगत 3-4 सालों से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार ने भी इस बजट में छत्तरगढ़ और पूगल क्षेत्र में सोलर पार्क की घोषणा की है, सरकार का धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय निजी कंपनियों भी सोलर ऊर्जा प्लांट लगा रही है, सरकार द्वारा निजी कंपनियों को जमीनें आवंटित की जा रही है। मेरा निवेदन है कि यहाँ के स्थानीय एवं पार्क विस्थापित किसान जो भूमिहीन किसान हैं उनको प्राथमिकता से कंपनी की दर पर ही भूमि आवंटन कर दी जाए तो सरकार को किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं होगी। वहीं जमीन किसान सोलर कंपनी को लीज पर दे सकेगा जिससे उसके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 46A का हवाला देकर सोलर कंपनियां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों की जमीन लीज पर लेने के लिए उस भूमि का कन्वर्जन आवश्यक बताते हैं। गरीब किसानों के लिए प्रक्रिया जटिल होती है और जिला राजस्व अथवा उपखंड अधिकारी को 20 बीघा से अधिक कन्वर्जन का अधिकार नहीं होता है, इससे अधिक भूमि को राज्य सरकार से कन्वर्जन करना होता है जिसमें 6 से 12 माह समय लगता है। मध्यस्थ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं जिससे धन एवं समय दोनों की ही अधिक लगते हैं। चूंकि राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील है, अतः आपसे मेरा निवेदन है कि लीज पर ली जाने वाली भूमि की कन्वर्जन प्रक्रिया में छूट दी जाए अथवा प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। धन्यवाद। श्री पिताराम सिंह काला।